लगातार हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर कैसे दहशत जो है वो लगातार फैली हुई। हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार ग्राउंड पर हैं और एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथों से आदमखोर भेड़िया लगातार शिकार बना रहा है, खासतौर से मासूम बच्चों पर उसका हमला अब तेज हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय CSC में हूँ जहाँ पर बच्चे का इलाज जारी है। बच्चा इस वक्त सो रहा है, आप देखिए इसकी स्थिति जो है अभी स्थिर है, लेकिन वो खून का दाग, ये देखिए ये खून का दाग अभी भी इसके इस कपड़े में लगा है। ये देखिए किस तरह से जख्मी हालत में बच्चा सो रहा है और अभी तक इस खूंखार आदमखोर भेड़िए ने लगभग 9 बच्चों को अपना निवाला बना लिया है, एक महिला को भी मार दिया है और लगातार इसका जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कल की रात में कहा जा रहा है कि 2 बच्चों पे हमला किया, एक तो इसको मार के भाग ही रहा था, इनके घर वालों की सक्रियता से, इनके पिता के साहस से वह इस बच्चे को मारने में नाकाम रहा और वह भागा, लेकिन भागते हुए शायद एक और बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ भी उसको कामयाबी नहीं मिली। इनके पिता हैं, कुछ बताएंगे, आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ मौजूद रहा ना, वहाँ 11 बजे पहुँचा और जो है रेका हमला कर दी, उसके बाद मतलब अरे का जो है महतारी हमरे लिए रहे हैं तो वो अपनी तरफ पहुँचे जब काट लीस उसके बाद में निकल गया। सब आते वक्त पता नहीं चला, आते वक्त हम देखा। हाँ जाते वक्त भाग जब लेके जा रहा था, जब मतलब लेकर जाने जब आवा तब ना देखा, जब काट ली उसके बाद निकला तब हम देखे। उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहा था? हाँ ले जाने कोशिश कर रहा था, तो हमने महतारी अपने आई चली, जब हल्ला गुल्ला भवा जो है मोहल्ला के हम सब हल्ला किया तब भागा। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और लोग बता रहे थे कि कितनी ज्यादा दहशत में वो इस समय है और कैसे भेड़िया दबे पांव आता है और उनको अपना शिकार बनाता है। अब हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने ही उस बच्चे से बात की जिसको अपना शिकार उस भेड़िये ने बनाया है, देखिए। मैं देख रहा हूं कि रात दिन आप भी यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, लगातार ये भेड़ियों के जो शिकार हुए जो बच्चे हैं या लोग हैं यहां पर आ रहे हैं CSC में? जी अभी तक 34 इनको मिला के 34 लोग आ चुके हैं इलाज लेने, जो माइल्ड इंजरी से थे नॉर्मली अब ट्रीट होके स्टेबल में है। और एक CSC का ये आंकड़ा, ये हम अपनी CSC का आंकड़ा दे सकते हैं और क्या आप CMO सर से आप अदर CSC का आंकड़ा ले सकते हैं। सर प्रभावित कितने CSC होंगे जहां पर ये प्रभावित इलाका है? बगल में हमारे जस्ट शिवपुर है और इधर तेजवापुर है और कल से खबरों के अनुसार नानपारा भी थोड़ा प्रभावित है। मतलब कि इस महसी के अलावा 3 और CSC केंद्र हैं जहां पर ये जख्मी लोग वहां जा सकते हैं? जी जा सकते, नहीं केसेस आए हैं कुछ रिपोर्टेड हुए हैं। सेम पैटर्न है या कुछ अलग अलग है? या उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर ये नेक पे पहले दबोचता है गला, उसके बाद से फिर बच्चा जब डेथ कर जाता है उसके बाद उसको शायद खाने का प्रयास करता है। ये जंगली जानवर ही है जिस तरह का दिख रहा है इसकी बाइट वगैरह? अब जैसे बच्ची तो नहीं बता पा रही है पर कुछ केसेस में बच्चियां खुद बताई हैं जो बोल पा रही हैं, अभी तो ये सहमी हुई है, इनके पिता खुद बता रहे हैं। जैसे आपने अभी उनसे इंक्वायरी की होगी तो बताए होंगे, काफ़ी जहाँ भी आप एरिया में जाइए वो आपको डिस्क्रिप्शन दे ही देंगे और हमारे वन विभाग की टीम भी तो जो फुटेज दी है उसमें दिख ही रहा है। तो लगातार आदमखोर का टायर देखने को मिल रहा है और अब तक क्या कुछ हुआ है, दरअसल 350 पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो इस दहशत के चलते की गई है और अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, 10 लोग अभी तक शिकार हो चुके हैं। आपको बताएं कि वन विभाग की 25 टीमें अभी तक तैनात की गई हैं अलग अलग जगहों पर इस दहशत के चलते, वहीं लाखों लोग अभी भी दहशत के साए में हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, जो लगातार अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं 10 ड्रोन कैमरा लगाए गए हैं, 4 पिंजरों का इस्तेमाल हो रहा है, 8 थर्मो सेंटर जो है वो लगाए गए हैं जिससे कि इन्हें ट्रेस किया जा सके इन तमाम आदमखोरों को। वहीं बहराइच की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा ये प्रभावित इलाका है, इसके अलावा सीतापुर भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है और वहां पर पिंजरा जाल लगाने के लिए 50 वन कर्मियों को तैनात किया गया, वन कर्मी लगातार एक्शन में यहां पर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि सीतापुर में जहां पर लगातार ये कोशिश हो रही है कि इन्हें ट्रैक किया जा सके, जो भी भेड़िए वहां पर हैं उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग कोशिश हो रही है, कुछ को अभी तक पकड़ा गया है, लेकिन वन कर्मी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पिंजरे के जरिए और अलग अलग
कैमराज के जरिए उन्हें ट्रेस किया जा सके। कॉम्बिंग ऑपरेशन एक तरफ चलाया जा रहा है। दरअसल श्रावस्ती भी वो इलाका है जहां पर ये प्रभावित इलाकों में से एक है, यहां पर भी कोशिश हो रही है। वहीं भेड़ियों को बेहोश करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिससे कि इन्हें ट्रैंकुलाइज किया जा सके। गोंडा में ये कोशिश यहां पर जो है वो की गई है और इसी के जरिए इन्हें पकड़ने के लिए भी कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। वहीं जो अमावस की रात है उसमें खासतौर पर यह कहा जाता है कि भेड़िए और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि इस वक्त में ही अमावस की रात को ही ये अपना शिकार ढूंढते हैं? क्या है अमावस रात का कनेक्शन भेड़ियों से, देखिए इस रिपोर्ट में। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रकम खींचने लगता है। रात भर जागते गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओ ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओ ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं। क्या आप रात भर ऐसी जग? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से ने, तो कैसे सोते हैं फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जा कर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी है और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ? हसिया लेकर रात वहाँ दौड़ ली थी। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते थे हसिया को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। अब हसिया से तू कब? हाँ, डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया मासिक क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िये ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िये ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िये की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा।
आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहां के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है। हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने